नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम जानेंगे भोजपुरी के पूर्वी के महान गायक महेंद्र मिश्र के बारे में। महेंद्र मिश्र जी भोजपुरी के महान कवि थे। उनकी विधाओं में अलग अलग की धार देखने को मिलती है। उन्हें पूर्वी सम्राट और पूर्वी उस्ताद की भी उपाधि मिली थी। महेंद्र मिश्र का जन्म छपरा के मिश्र बलिया में 16 मार्च 1886 को हुआ था। महेंद्र मिश्र बचपन से ही पहलवानी, घुड़सवारी, गीत संगीत में तेज थे। उनकी रचनाओं में देशानुराग से लेकर भक्ति सिंगार और वियोग के कई दृश्य देखने को मिलते हैं। इनकी गायकी का जलवा इतना था कि वे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के जिस देश यानी कि फिजी, मॉरिशस, सुरीनाम, नीदरलैंड, त्रिनाड, ब्रिटेन में जहां जहां गिरमिटिया गए, महेश मिश्र की गायकी उनके सफर और उनकी मिट्टी के साथ गई। संगीत और साहित्य के इतिहास में बिरला ही होता है जो एक साथ शास्त्रीय और लोक संगीत का गायन वादन में दस्ता रखता हो और अपने आसपास के राजनीतिक सामाजिक हलचलों में सक्रिय भागीदारी रखता हो और पहलवानी का शौक भी रखता हो। इनका जीवन काफ़ी रोमानियत और भक्ति का भी सहचर्य था। महेंद्र मिश्र का दोस्तों के साथ दोस्ती ऐसी थी कि वे अपने एक जमींदार मित्र हलिबंत सहाय के प्रेम के लिए मुजफ्फरपुर के ढेलाबाई का अपहरण करके मित्र के यहाँ पहुँचा दिया था। हालांकि अपने इस काम के पश्चाताप स्वरूप उन्होंने ढेलाबाई के साथ अंत समय तक हलिबंत सहाय तक साथ रहने की बात कही थी। महेंद्र मिश्र को भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। वे भिखारी ठाकुर के समकालीन थे। कहा तो यह भी जाता है कि भिखारी ठाकुर के साहित्यिक सांगीतिक गुरु महेंद्र मिश्र ही थे। कहा जाता है कि भिखारी ठाकुर के साहित्यिक रचना को आगे बढ़ाने में महेंद्र मिश्र का बहुत बड़ा योगदान रहा। भिखारी ठाकुर में रंगकर्मिता, कलाकारिता का मूल महेंद्र मिश्र ने की ही देन है। पूरी बरसात भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र के दरवाजे पर बिताते थे तथा महेंद्र मिश्र ने भिखारी ठाकुर को झाल बजाना सिखाया था। महेंद्र मिश्र को पूर्वी लोकगीत का जनक कहा जाता है। भिखारी ठाकुर के नाटकों में गाए जाने वाले कविताओं की धुन भी पूर्वी हुआ करती थी। महेंद्र मिश्र का समय गांधी के उदय का समय है। बिहार स्वतंत्रता सेनानी संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह तथा इस इलाके के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री तापसी सिंह ने अपने लेख में यह दर्ज किया है कि महेंद्र मिश्र स्वतंत्रता सेनानियों की आर्थिक मदद किया करते थे। सारण के स्वतंत्रता सेनानी और बाद में सांसद रहे बाबू रामशेखर सिंह ने कहा कि महेंद्र मिश्र का घर स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों का गुप्त अड्डा हुआ करता था। उनके घर की बैठकों में संगीत और गीत के अलावा राजनीतिक चर्चाएं भी खूब हुआ करती थी। उनके गांव के अनेक समकालीन बुजुर्गों ने इस बात की पुष्टि की है कि महेंद्र मिश्र स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारी को खुले हाथों से सहायता किया करते थे। महेंद्र मिश्र की रचनाओं को लोगों द्वारा अपार प्यार मिला। भोजपुरी अंचल में तो लोगों ने दिल खोल कर उनकी साहित्यिक रचनाओं को सराहा, किंतु साहित्य इतिहासकारों की नज़र में महेंद्र मिश्र अछूते ही बने रहे, लेकिन किसी ने उनके बारे में बहुत जानने की कोशिश भी नहीं की। महेंद्र मिश्र का कलकत्ता आना जाना खूब होता था। तब कलकत्ता न केवल बिहारी मजदूरों के पलायन का सबसे बड़ा केंद्र था बल्कि राजनीतिक गतिविधियों की भी सबसे बड़ी उर्वरा जमीन हुआ करती थी। कलकत्ते में ही उनका परिचय एक अंग्रेज से हो गया जो उनकी गायकी का मुरीद था। उसने लंदन लौटने के क्रम में नकली नोट छापने की मशीन महेंद्र मिश्र को दे दी, जिसे लेकर वह गाँव चले गए और अपने भाइयों के साथ नकली नोटों की छपाई शुरू कर दी। वे सारण इलाके में अपनी छापे नकली नोटों से अंग्रेजी सत्ता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़नी शुरू कर दी। कहते हैं कि नकली नोट के बारे में ब्रिटिश साम्राज्य को पता चल गया था, जिसके बाद अंग्रेजी सरकार ने उनके खिलाफ जासूस लगा दिए। गोपीचंद नाम का नौकर जो कि अंग्रेज सरकार का जासूस था, वह 3 साल से महेंद्र मिश्र के साथ रहा। इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देते रहे। 3 साल के बाद 16 अप्रैल 1924 को गोपीचंद के इशारे पर अंग्रेज सिपाहियों ने महेंद्र मिश्र को उनके भाइयों के साथ पकड़ लिया। कलकत्ता, बनारस, मुजफ्फरपुर की कई तवायफें महेंद्र मिश्र को अपना गुरु मानती थी। इनके द्वारा लिखे गए गीतों को उनके कोठों पर सजी महफिलों में गाया जाता था। कहा तो यह भी जाता है कि महेंद्र मिश्र के गीतों में जो दर्द था, वह ढेलाबाई और अन्य कई तवायफों की मजबूरी दुख दर्द की वजह से ही है। कहते हैं इनके गायकी से पत्थर पिघलते थे। सारण से गुजरने वाली नदियां गंगा और नारायणी की धार मंद पड़ जाती थी। यह गायकी का जोर था कि महेंद्र मिश्र का, लेकिन अफसोस
उस भोजपुरी का यह नायाब हीरा उनके जाने के 7 दशकों के बाद भी अपनी पहचान का मोहताज है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने लोक का इतिहास संरक्षित करने में हमेशा ही उपेक्षा का भाव रखा। महेंद्र मिश्र 26 अक्टूबर 1946 को ढेलाबाई के कोठे के पास बने शिव मंदिर में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने गीतों में, खासकर प्रेम गीतों में, स्वतंत्रता का भाव विशेषकर स्त्रियों के पक्ष में रखा था। भोजपुरी में लिखे उनके गीतों को शारदा सिन्हा से लेकर चंदन तिवारी तक ने आवाज दी है। इनके बारे में कहा जाता है कि कभी गायक महेंद्र मिश्र जैसा कोई दूजा न हुआ न होगा। बिहार के ऐसे ही और महान हस्तियों के बारे में जानने के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।